मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिल्हा विधायक धमलाल कौशिक ने क्षेत्रवासियों को दी करोड़ों की सौगात। अपने जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। जन्मदिन समारोह में लोगों का जताया आभार। नारायणपुर में राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जानकारी। मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजे संबंधित चर्चा। नारायणपुर में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर कार्यशाला। गोंडवाना भवन ऑडिटोरियम में किया आयोजन। महिलाओं के उचित पोषण आहार पर दिया जोर। धमतरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वन कर्मचारी संघ। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार से चाहते हैं पुख्ता निर्णय। और वहीं गरियाबंद में पोस्टमास्टर ने डाकघर से खाताधारकों का निकाला पैसा। आरोपी पोस्टमास्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 28 लाख का किया था गबन। चले खबरों में बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश भोपाल के भोपाल टॉकीज चौराहा बिरसिया रोड स्थित बीजीएस होंडा के श्राइन 100 महाउत्सव सर्विस मेले, ग्राहक मिलन और सम्मान समारोह का भव्य समापन हुआ। बीजीएस होंडा परिवार के नेटवर्क मैनेजर दीपक सोनी ने साधना न्यूज चैनल के संवाददाता राजकुमार राव को इस विशेष खबर में बताया कि बीजीएस होंडा द्वारा श्राइन महोत्सव का शुभारंभ 15 से 31 जनवरी तक किया गया था। इस महाउत्सव में जिन ग्राहकों ने श्राइन 100 गाड़ियां 15 से 31 जनवरी में खरीदी हैं और जिन ग्राहकों ने अपने होंडा वाहनों की सर्विसिंग सर्विस मेले में करवाई है, ऐसे सभी प्रतिभागी ग्राहकों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें कि साथ ही बीजीएस होंडा की तरफ से सभी ग्राहकों को गिफ्ट भी दिए गए हैं। वहीं साधना न्यूज चैनल ने जब ग्राहकों से बीजीएस होंडा के बारे में फीडबैक लिया, तब सभी ग्राहकों ने बताया कि हमें नई गाड़ी खरीदने पर 5001 रुपए का कैशबैक का ऑफर मिला है। जो गाड़ियां ग्राहकों ने सर्विसिंग करवाई है, वो सर्विसिंग भी सभी ग्राहकों को बीजीएस होंडा की तरफ से टोटल फ्री दी गई है। सभी ग्राहकों ने बताया कि हम बीजीएस होंडा के स्टाफ के व्यवहार, उनकी सर्विसेज और उनके कार्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं। बीजीएस होंडा श्राइन में ग्राहक मिलन का समापन नेटवर्क मैनेजर दीपक सोनी ने जानकारी दी कि समारोह में ग्राहकों को सम्मानित किया गया। ग्राहक संतुष्ट नजर आए। बीजीएस होंडा परिवार जो परिवार है, हमारे ग्राहक की बदौलत है और काफी प्रयास करते हैं ग्राहक हमें मोटिवेट करने के लिए, और केवल हमारी जो सेवाएं हैं ग्राहक को समर्पित हैं। और ये सर्विस मेला और श्राइन 100 महोत्सव जो कैंप रखा गया बीजीएस होंडा के द्वारा, हमने अपने आदर्श ग्राहकों के लिए रखा गया था। और इस कैंप में 15 दिन का कैंप था। इस कैंप में ग्राहकों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया और श्राइन 100 पे जो कैशबैक का जो बीजीएस होंडा के द्वारा वादा था 5000 का, वो हमने एक एक ग्राहक को दिया है। धन्यवाद जी। बताएं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक सोनी है और मैं यहाँ पर बीजीएस होंडा में नेटवर्क मैनेजर हूँ। आज ये जो महोत्सव है श्राइन 100 और सर्विस महोत्सव, उसका अंतिम दिन है 31 तारीख और लास्ट 15 दिन से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें कम से कम हजारों कस्टमर ने खूब फायदा लिया है सर्विस का और सेल्स का। आप पीछे देख रहे हैं ये गाड़ियाँ, लगभग 65 गाड़ियाँ आज हम श्राइन 100 डिलीवर कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और श्राइन 100 जो गाड़ी कंपनी ने बनाई है, कम बजट की गाड़ी बनाई है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार इसको ले सकता है। और ये इस टाइम ड्यूरेशन में हमने 5001 रुपए का ऑफर भी दिया है कस्टमर को, जो नो कॉस्ट और नो प्रॉफिट में हम लोग को दिया है और कस्टमर ने इसका पूरा फायदा उठा हुआ है। लगभग हमने इसमें 200-250 गाड़ियाँ इसमें 15 दिन में हम लोग ने कस्टमरों को दिए हैं। ये जो सर्विस कैंप लगाया है आपने, इसमें क्या कस्टमरों को फायदे मिले और इसके साथ आपने कस्टमरों को सम्मानित भी किया है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो सर्विस कैंप लगाया है इसमें दो स्तर पे लगाया है कि ये एक तो जो 2019 से पहले की गाड़ियाँ हैं और 2019 की बाद की गाड़ियाँ हैं। तो 2019 से पहले की गाड़ियों में उसमें हमने ज़्यादा ऑफर दिए हैं कस्टमर को। टोटल जो सर्विस होती है निःशुल्क दी है, जिसकी कीमत 550 रुपये होती है, टोटल निःशुल्क दी है। इसके अलावा उसके साथ में जैसे कोई पार्ट्स डलाता है तो उसमें हम लोग ने 20% तक डिस्काउंट दिया है। सर्विस पे लेबर पे हमने 50% तक डिस्काउंट दिया है। कोई टायर या बैटरी डलाता है तो उसमें भी 10% तक का हमने इसमें डिस्काउंट दिया है। और जो नए ग्राहक हैं हमारे 2019 वाले, उनको 151 रुपये इसमें हमने एक सर्विस दी है और बाकी सुविधाएं जो सेम है उसी उसके अकॉर्डिंग ही दी है हमने। तो जिसमें कई ग्राहकों ने इसमें फ़ायदा उठाया और कोई भी होंडा का वाहन हो उनके पास, पुराना नया आप लेके आइए, हम उसकी फ्री सर्विस कर रहे हैं।
और इसके साथ जो हम लोगों ने देखा है कि आपने हमारे जो आपके ग्राहक हैं जी जी उनको सम्मानित भी किया, बिल्कुल सर, इसमें हमने सभी ग्राहकों को एक स्पेशल गिफ्ट दिया है और आज के दिन आखिरी दिन है तो हमने एक लकी ड्रॉ ऑफर किया है जो उसका कार्यक्रम अब चल ही रहा है और उसमें जो भी लकी ड्रॉ निकलेगा 5 कस्टमरों को लकी ड्रॉ दिया है जो उसमें लगभग आपको टीवी फ्रिज कुछ भी निकल सकता है। 900 बाइक इज वेरी गुड माइलेज, मुझे बहुत प्यारी लगी, होंडा की बहुत अच्छी सर्विसें हैं। थैंक यू। आपका शुभ नाम बताइए। अनिल प्रजापति। और यहाँ से जो बीजेस होंडा से जो गाड़ी लिया जी, इनके व्यवहार और इनकी सर्विसेज से खुश हैं? बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी, बहुत गुड गुड, गाड़ी से बिल्कुल संतुष्ट हैं और गाड़ी भी बहुत अच्छी है, स्मूथ चलती है, बढ़िया माइलेज भी अच्छा है। और मेरा नाम राजेश बरखन है, मैंने 25 जनवरी को ये होंडा साइन 100 सीसी गाड़ी खरीदी है और इसका अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और कंपनी तो क्लेम करती है 90 का लेकिन ऑन रोड इसका 70 का एवरेज पूरा है। 5001 रुपये का डिस्काउंट भी मिला है ये 31 जनवरी तक और आज ऑफर भी है, ऐसा अगर कंपनी और भी बीच बीच में करवाती रहेगी तो और भी ये गाड़ी अधिक बिकेगी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जो कैंप लगा है बहुत ही अच्छा कैंप लगा, इसमें फ्री सर्विस हुई है, साथ में अभी इन लोगों ने आज कार्यक्रम कराया उसके अंदर उन लोगों ने एक फ्री सर्विस का एक एक्स्ट्रा कूपन और बांटा है, साथ में जितने भी जेन्युइन पार्ट्स है उन पे भी अलग से डिस्काउंट किया गया है, साथ में अभी इनने जो अभी जो प्रोग्राम करा है उसमें सभी कस्टमर को गिफ्ट भी दिए गए हैं। अच्छा, आप लोगों को गिफ्ट दिए गए? देविन जैन है, बीजीएस होंडा से 2300 जुड़ा हूँ मैं और कम से कम मेरे कहना 12वीं गाड़ी है और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे सम्मान करता है, गार्ड वगैरह मतलब सारे स्टाफ बहुत अच्छे सम्मान करते हैं और बाकी पूरा जो घर का शोरूम है अपना और जो गाड़ी सर्विस होके वो कभी दिक्कत आती है तो दोबारा होके मिलती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है और बहुत अच्छी सुनवाई होती है और बीजीएस होंडा भोपाल टैकेज का बहुत अच्छा वो है जाना माना, मतलब ये समझ लो बजाज के टाइम से जान पहचान रहा हूँ मैं इस शोरूम पे, मैं साइकिल से आता था उस समय से आ रहा हूँ मैं भोपाल टैकेज बीजीएस होंडा और बाकी मिलने वाले रिश्तेदारों को आष्टा आनंद नगर कहीं भी पहुँचाता हूँ ना तो मैंने अपने यहीं से दिलवाई है। हाँ, लगभग मैं 20 वर्षों से यहाँ से हम लोग लेन देन करते हैं और भैया जी के यहाँ सर्विस अच्छी है और काफ़ी जो है ईमानदारी से काम होता है और कल मैं सर्विस कैंप में भी आया था, मेरे को मालूम पड़ा कि जो है ऑफर चल रहा है तो इन्होंने जो है ऑफर भी दिया और काम भी अच्छा होता है, कोई मतलब कोई किसी प्रकार का कोई नहीं है, कोई शंका नहीं। हाँ, कोई बढ़िया है जो है, व्यवहार अच्छा है सबका और काफ़ी जो है हम लोग कई हमारे पहचान वाले लोग हैं तो हम यहाँ पे अभी तक आप इस बीजेपी छोटा से कितनी गाड़ियाँ ले चुके हैं? हमारे यहाँ कम से कम लगभग 6 गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी हैं, 2 बाइक हैं और 4 एक्टिव हैं। तो बीजेपी चल रहा है, बीजेपी होंडा परिवार और इनके स्टाफ के व्यवहार का पूरी तरह संतुष्ट है? हाँ, पूरी तरह संतुष्ट है, कोई शिकायत नहीं है, काम अच्छा निकलता है, अभी कोई बात होती तो बता देते हैं कि भाई ये काम अभी रह गया है या कुछ बात है तो कर देते हैं, मतलब आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। आपने गाड़ी कब ली बीजेपी होंडा से और जो ये सर्विस कैंप लगा है इससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट है, हमने ऑयल चेंज कराया उसमें 10% का हमें डिस्काउंट मिला, फिल्टर चेंज कराया उसमें 10% का डिस्काउंट मिला, मैं तो ये कहता हूँ अगर मैं नाम रखता बीजीएस होंडा का तो विश्वास विश्वसनीय रखता। भाई मेरा नाम यूसुफ है और मुझे बहुत अच्छा लगा और कहने को सम्मान भी मिला, आदमी किसी चीज़ का भूखा नहीं होता, सम्मान मिला सबसे अच्छी चीज़ है, इसलिए हम बीजीएस के साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़े हुए, हमेशा जुड़े हुए ही रहेंगे, जब भी होगा गाड़ी खरीदना है तो बीजीएस से। तो ये जो सर्विस कैंप लगा है बीजीएस होंडा का, जी हाँ, इससे क्या क्या फायदे मिले आपको? इससे है ना बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली, सबसे पहले तो अवेयरनेस मिली किस चीज की कि यार कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा प्रोडक्ट खराब है और इंजन ऑयल जो कंपनी बना रही है उसका ही इंजन ऑयल डाले ताकि अपनी गाड़ी सर्विस ज्यादा दे, इसके बारे में भी अवेयरनेस मिली। पहला हम कोई सा भी इंजन ऑयल लेके डाल देते थे उसके गाड़ी के अंदर, पता ही नहीं था कि कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए कौन सा नहीं डालना चाहिए, अब पता चला कि सर्विस ज्यादा अच्छी इंजन ऑयल से देती है और ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता उसके अंदर, जैसे 20% का भी फर्क नहीं पड़ता तो 20% के लिए अपन 80% फिर से क्यों लगाए। इसके साथ आपको फाइनेंशियल भी मतलब इसमें सपोर्ट मिला है, फायदा हुआ है? इकोनॉमिकल भी बहुत फायदा हुआ है कि अभी तो सर्विस फ्री मिली है, जैसे अगर किसी भी मैकेनिक के पास चले जाओ कुछ भी हो जाए वो आपसे 200 रुपए छीन ही लेगा, ये नहीं छीनते, इनकी सर्विस फ्री है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर क्षेत्रवासियों को 3,34,00,000 रुपए से अधिक की सौगातें दी हैं। सर्वप्रथम उन्होंने रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर सहपरिवार पहुंच करके मां महामाया की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। इसके साथ ही ग्राम हिरड़े में मितानिन बहनों के साथ मिलकर जन्मदिन मनाया और 10 लाख रुपए की लागत मितानिन भवन का भूमि पूजन किया। वहीं ग्राम हिरड़े कडार बरतौरी भटगांव में 6 बिस्तर वार्ड के निर्माण के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र को 9.80 लाख रुपए के निर्माण किए जाने की घोषणा की है। साथ ही साथ ग्राम बोदरी में सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए और ग्राम मुनिपाल में आयोजित जन्मदिन समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों का आभार जताया। वहीं नारायणपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन मांझी की तरफ से राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान राजनीतिक दलों को 33 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजने और मतदान केंद्रों को शिफ्टिंग करने संबंधित चर्चा की गई है। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र संख्या 84 के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्र अति संवेदनशील क्षेत्र और पहुंच विहीन क्षेत्र के 36 मतदान केंद्रों को सुरक्षा की नजर से शिफ्टिंग करने की सहमति राजनीतिक दलों की ओर से दी गई है। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीजेपी के नरेंद्र मेश्राम, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि संजय राय, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि परमीत दुग्गा सहित निर्वाचन के कई कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कई अहम जिम्मेदारियां दी जा रही है। इसी के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक कार्यकारिणी छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में मोहम्मद गुलाब को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं मोहम्मद गुलाब ने राजीव भवन में एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि बूथ, ब्लॉक और जिले स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य किए जाएंगे। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ आने वाली है। इस न्याय यात्रा में सबसे बड़ा योगदान अल्पसंख्यक विभाग का होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब के आदेश पे आज हम छत्तीसगढ़ एक भाई एक कांग्रेस के सिपाही बनकर आए हैं। हमारा मकसद यही है कि हम अपने अल्पसंख्यक विभाग को बूथ से लेके, ब्लॉक से लेके, जिले से लेके प्रदेश तक मजबूती से उसको खड़ा करें। राहुल जी की एक न्याय यात्रा जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसको पूरा हिंदुस्तान अपने सर पे बैठाए हुआ है, अपने नेता को, अपने महबूब लीडर को, उनकी यात्रा बहुत जल्द छत्तीसगढ़ आने वाली है और इस यात्रा में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक विभाग का योगदान रहेगा। हम अपने अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से उनका जोरदार छत्तीसगढ़ में स्वागत करेंगे। अगली खबर रायपुर से, जहां नए संसद भवन का आगाज हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है, वहीं मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। आपको बता दें कि इस बजट में 3 महीने के खर्च का लेखा जोखा शामिल है। वहीं बजट पेश होने के बाद पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक और औद्योगिक मंत्री लखनलाल देवांगन केंद्र सरकार और वित्त मंत्री ने इस बजट की सराहना की है। इस दौरान मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि पीएम मोदी ने जनहित में कार्य किए हैं। देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री वो बने हैं, तब से पूरे भारतवर्ष में जनहित में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और इस वर्ष के बजट में उन्होंने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो बजट में प्रावधान लाया है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उसी तरह से
2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास निर्माण होने वाला है, जो हमारे गरीब भाई बहने जो कच्चे छत पर रहते हैं, बरसात के दिनों पर आंधी तूफान आता है तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और उन पक्के उनको आवास मिल जाएगा तो उनके आने वाला जो पीढ़ी है उनका सपना साकार होगा, उनका सपना साकार होगा कि हम भी एक पक्का मकान में रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से अनेकों ऐतिहासिक काम उनके द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बजट को लेकर के एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के बयानों का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी न समझ सकती है और न ही समझाना चाहती है, और समझने के बाद भी न आप लोगों को पत्रकारों को बताना चाहती है। साथ ही कांग्रेस की स्पष्ट नीति ये रही है कि 50 सालों में देश को लूटो और खसूटो। वहीं निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि वे एक श्वेत पत्र जारी करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर के 2024 तक की नीतियां जो है उसका उल्लेख किया जाएगा, उन सभी चीजों का उसमें बखान होगा। उन्होंने कहा कि कल कैबिनेट की बैठक को लेकर के महतारी वंदन योजना का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है, हमने इसकी मंजूरी कैबिनेट में दे दी है। बता दें कि 1 फरवरी को बजट अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बयानों का पलटवार किया और कहा कि इस बजट में आधुनिक भारत की तस्वीर है, साथ ही 50 सालों में कांग्रेस ने देश को सिर्फ लूटने का ही काम किया है। निश्चित रूप से आप फिस्कल डेफिसिट को देख सकते हैं कि 2025-26 के लिए लक्ष्य रखा गया था कि 4.5% तक फिस्कल डेफिसिट को घटाते हुए पहुंचाया जाएगा। उस रोड मैप पर परफेक्टली मोदी जी की सरकार चल रही है। बजट का साइज इस तेजी से बढ़ रहा है, कैपेक्स में आपने देखा कि हमेशा डबल डिजिट के रेट से कैपेक्स में उछाल आया है, और इस बार एक शगुन के तौर पर 11,11,111 करोड़ इतने का कैपेक्स किया गया है, एक करके, और 10% से अधिक की फीसदी की वृद्धि कैपेक्स में भी की गई है, और फिस्कल इतने बड़े बड़े स्कीम लाए गए हैं और उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट को 2025-26 तक 4.5% तक रखने के रोड मैप पर परफेक्टली मोदी जी की सरकार चल रही है। इस बार फिस्कल डेफिसिट 5.1% इस बार का है, तो निश्चित रूप से इससे इन्फ्लेशन की दर, जैसे ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था उस समय भी मोदी जी की सरकार उसे नियंत्रित करने में सफल रही, और आने वाले समय में भी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने में, महंगाई को कंट्रोल रखने में सार्थक नीतियों के कारण सफल रहे। वहीं सरगुजा कलेक्टर की तरफ से जिले के 126 ग्राम और ग्राम पंचायतों के 199 बसाहटों में 8 और 9 फरवरी को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पहाड़ी कोरवाओं को शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध नियम 2022 के साथ ही सह पाठित छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा के तहत ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच और सचिव का होगा। वहीं खरसिया नगर पालिका की तरफ से शहर के सबसे कीमती जगह और टीआईटी कॉलोनी के पास लगभग 2 एकड़ क्षेत्र निर्मित सर्व सुविधा युक्त एकमात्र विशाल बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और बस ठहराव के लिए था। लेकिन बताया जा रहा है कि बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स एकमात्र ट्रांसपोर्टर का प्राइवेट जगह बनकर के रह गई है। ट्रांसपोर्टर की तरफ से पूरे बस स्टैंड परिसर का अवैध रूप से निजी उपयोग किया जा रहा है, और परिसर में रायपुर, बिलासपुर और अन्य जगह से आने वाली मालवाहक गाड़ियों को बस स्टैंड परिसर में अवैध रूप से लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है, जिससे कि यात्रियों और क्षेत्रवासियों के साथ ही वाहन मालिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बढ़ते अगली खबर में, जहां नारायणपुर जिले में बुधवार को बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर कार्यशाला गोंडवाना भवन ऑडिटोरियम बखरूपारा में आयोजित की गई है, जो स्वास्थ्य संबंधित विमर्श यूनिसेफ मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स उपाजस
जिला स्वास्थ्य विभाग और राजनंदगांव मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इस दौरान डॉक्टर टीएस कुंवर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण उनके भविष्य के बेहतर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहद ही आवश्यक है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही और कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अगली खबर धमतरी से है, जहां अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर के वन कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़तालियों की मांग है कि जिन 108 पदों पर संविदा भर्ती बुलाई गई है, पहले तो उसे कैंसिल किया जाए और नए पे ग्रेड के अनुसार वेतनमान निर्धारित किया जाए। इन मांगों को लेकर कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वन कर्मचारी इस बार आर या पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां मैनपुर थाना के चौकी बिंद्रावागढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डाकघर में खाता धारकों का पैसा निकालने वाले आरोपी पोस्ट मास्टर नरभू राम ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ग्राम दरीपारा पोस्ट ऑफिस से ऑफिस में संचालित डाकघर का है। आपको बता दें कि आरोपी पोस्ट मास्टर ने लगभग 28 लाख रुपए का गबन डाकघर में खाता धारकों के खातों से किया है। नारायणपुर में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण जिला पंचायत के सभाकक्ष में महिला बाल विकास विभाग ने आयोजित किया। और वहीं ग्वालियर से भिंड की ओर गाय बछड़ों से भरा ट्रक मालनपुर थाना अंतर्गत गुरीखा चौकी के पास पलट गया, जिसमें कई गौ जो और भैंस है उनकी मौत हो गई है। शासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उसे देखते हुए नेशनल हाईवे 92 पर टोल टैक्स और आरटीओ बैरियर होने के बावजूद भी गोवंश से भरा हुआ ट्रक कैसे पार हुआ, प्रशासन को कानो कान इसकी खबर नहीं मिली। और ये रोड के नीचे काफी गहरी खाई है, तो पड़ोस के पंडित जी को जानकारी मिली तो फिर उन्होंने तुरंत आए यहाँ पे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तो हमारे दो रक्षा दल के सदस्य भी यहाँ आ गए, उनकी मदद से और नगर पालिका के कर्मचारियों की मदद से दो तीन गोवंश उसमें मर गए हैं, उनको बाहर निकाला। और खबर अंबिकापुर से है, जहां प्रार्थिया ने थाना कोतवाली जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि प्रार्थिया की लड़की अपनी सहेलियों के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए चंद्रा रघुनाथपुर गई हुई थी, जहां देर शाम जान पहचान के एक युवक ने पीड़िता और उसकी सहेली को घर छोड़ने की बात बोलकर के मोटरसाइकिल पर बिठाया, जो बीच रास्ते में मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म होने की बात बोलकर अन्य युवकों को बुलाकर के पीड़िता और उसकी सहेली को जंगल की ओर भेज दिया गया। और फिर चार युवक भी मौके पर आ गए, युवकों ने पीड़िता और उसकी सहेली को पकड़ने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे थे आप, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।